नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। छठ महापर्व का आगाज हो चुका है और छठ महापर्व का आज दूसरा दिन यानी एक खरना है और आज खरना के दिन शाम को लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि इस समय हम हैं पटना सिटी के एक ऐसे ही घाट पर जहाँ पर छठ महापर्व की सारी तैयारियाँ जो है बिल्कुल की जा चुकी है। हालाँकि हम आपको बता दें कि बिहार सरकार साथ ही साथ जिला प्रशासन के तरफ से कई दिनों से छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर तैयारियों में लोग लगे हुए थे और अब जो है गंगा घाट को फिनिशिंग टच दिया जा चुका है। हम आपको बता दें कि छठ पूजा में आए जो भी श्रद्धालु या फिर छठ व्रती हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर तरह की तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, वो चाहे चेंजिंग रूम हो या फिर शौचालय हो या फिर किसी और भी चीज़ें। हम आपको बता दें कि हर घाट पर CCTV लगा दी गई है जिसके माध्यम से हर घाट पर CCTV के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। हालांकि यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बार छठ पूजा पर जो राज्य सरकार और साथ ही साथ जिला प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां की गई है उन तैयारियों से वो कितने संतुष्ट हैं। तो चलिए एक एक कर हम सभी लोग से पूछते हैं जी। क्या करने के लिए पहुँचे हैं? हम वो पटना सिटी में हैं घाट पे और पटना सिटी घाट का निरीक्षण कर गए हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ का घाट का, मिथन घाट है, खचकरा घाट है, दोगी घाट है, जितने भी घाटे हैं सब अच्छा व्यवस्था है। बिहार सरकार के द्वारा अच्छा व्यवस्था किया गया है, स्नान घर बनाया गया है, बाथरूम बनाया गया है, सब कुछ व्यवस्था है। पानी का भी बैकेटिंग भी किया गया है ढंग से, कोई डूबने का कहीं मैंने ये खतरा नहीं है। राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है छठ पर्व को लेकर उससे व्यवस्था से क्या आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप भी देख रहे हैं चारों तरफ नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, ठीक है, यहाँ प्रशासन की मौजूदगी है, यहाँ सब लोग सुरक्षित है और स्वच्छ है। यहाँ छठ पर्व उसके लिए घाट देखने आए हैं? हमारे यहाँ जो छठ होता है घाट देखने आए हैं, हम ऐसे भी घाट का निरीक्षण करने आए हैं क्योंकि ये छठ जो है ना महापर्व छठ है, हम लोग का बहुत बड़ा छठ पर्व माना जाता है। और यहाँ से जितने भी लोग बाहर में रहते हैं चाहे विदेश में ही क्यों ना हो, बट जब छठ का समय आता है तो सभी लोग को पटना और बिहार याद आता है, गंगा माँ याद आती है, गंगा की मिट्टी याद आती है और सभी लोग आते हैं बिहार और पटना में छठ करने के लिए। इसको बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। कुछ और लोग उनसे भी राय ले लेते हैं, जो बताइए आप क्या करने के लिए पहुँचे? यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी घाट देखने के लिए आए हैं। एक्चुअली हमारे घर पे भी छठ व्रत होता है तो अभी थोड़ा समय निकाल करके हम लोग घाट देखने आए हैं कि कौन सा घाट अच्छा है। हमारे पर्वती लोग यहाँ पे आ करके पूजा करेंगे तो कौन सा घाट अच्छा होगा, लेकिन इस बार जो है सरकार जो है बहुत अच्छा व्यवस्था की है ना। घाट हम लोग निरीक्षण किए हैं, देखे हैं, हर जगह जो है कि नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, प्रशासन की व्यवस्था भी है और लोग हर्षोल्लास से आ रहे हैं और पूजा का अभी समय है और बहुत लोग हर्षोल्लास से खुशी पूर्वक पूजा मनाते हैं और हम लोग उसी इस बार तो घाट बहुत अच्छा बना हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कल जो है हम लोग घाट पे ही आकर के सूर्य भगवान का अर्घ दें। सरकार की तैयारियों से क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, इस बार तो सब समय से अच्छा है, संतुष्ट हैं हम लोग। इस बार तो घाट के अच्छा निरीक्षण भी हम लोग देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार घाट सभी गंगा घाट बेहतर हुआ? एकदम बेहतर। अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया है इस बार। अभी सरकार के तैयारियों से क्या खुश हैं? हाँ, खबर तो बहुत बढ़िया लगा है। हमारा परिवार लोग भी आएगा इसलिए हम आए हैं घाट पर देखने कौन घाट अच्छा है जहाँ पर हम लोग अपने परिवार को ला सकें। इस बार तो सभी घाट लगभग अच्छी निकली है पिछले साल की अपेक्षा? बहुत बढ़िया लग रहा है, अबर तो इतना सुंदर डेकोरेशन वगैरह सजा है कि ऐसा पहले कहाँ हुआ करता था। पहले लोग तो आते थे कीचड़ कादों में हेलते थे, अब लेकिन जब से ये रोड पुल ये सब जो निर्माण हुई है इसके कारण लगता है कि और भी अब लग रहा है कि हाँ छठ पर्व एक पर्व है यहाँ का। ऐसे तो शुरू से ही रहा है लेकिन अबर हम लोग को बहुत अच्छा, अगली साल भी था लेकिन कोरोना के वजह से उस समय दो साल तो डिस्टर्ब गया, बाकी अब साल हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। बहुत
तो चलिए ये थे कुछ लोग जो गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा घाटों को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनके घरों में भी छठ महापर्व हो रहा है और छठ महापर्व पर कौन सा घाट बेहतर हो इसके लिए वो लोग यहाँ पहुंचे थे। और हम उन्हीं से बात कर रहे थे कि सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उन व्यवस्थाओं से वो कितने खुश हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार और साथ ही साथ जिला प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट दिखे। हालांकि हम आपको बता दें कि छठ महापर्व ऐसा पर्व होता है जो लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। बिहार के बाहर रहने वाले जो भी लोग हों, देश विदेश में रहने वाले जो भी लोग हों, उन्हें बिहार में होने वाले छठ महापर्व की यादें उन्हें ज़रूर खींच लाती हैं। तो छठ महापर्व से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।